प्रलय का आना अभी बाकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में 1 नवंबर के दिन रिलीज हुई फिल्म है यानी कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। दोनों ही फिल्मों का आज है बॉक्स ऑफिस पे डे नंबर 6 और 6वें दिन भी दोस्तों दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और साथ ही साथ दोस्तों दोनों ही फिल्में क्लैश होने के बावजूद भी अच्छा खासा होल्ड बॉक्स ऑफिस पे बनाकर रखे हुए हैं। फिल्म सिंघम अगेन की पहले बात की जाए तो सिंघम अगेन में हमें अजय देवगन एक बार फिर से बाजीराव सिंघम के किरदार नजर आए हैं और साथ ही साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकारों के कैमियो अपीयरेंस हमें फिल्म में देखने को मिले थे। फिल्म का डायरेक्शन किया था रोहित शेट्टी ने और दोस्तों फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में जबरदस्त कलेक्शन हासिल करते हुए 140 करोड़ 20 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन हासिल कर लिया था, जबकि फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा था शुरुआती 4 दिनों का 171 करोड़ 67 लाख रुपए, जबकि ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 42 करोड़ 91 लाख रुपए का कलेक्शन हासिल किया था। इसी के साथ महज 4 दिनों में ही फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 214 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन हासिल कर चुकी थी। उसके बाद दोस्तों फिल्म का था डे नंबर 5, जहां पे फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे डे नंबर 5 पे लगभग 18.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हासिल किया। इसी के साथ फिल्म का 5 दिनों का अब जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन था वो 162 करोड़ 70 लाख रुपए का हो चुका था, जबकि डे नंबर 6 की बात की जाए तो आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा होल्ड बनाकर रखे हुए है और आज दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 17 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब फिल्म का जो शुरुआती 6 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका होगा 180 करोड़ रुपए का, जबकि फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 220 करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं 6 दिनों में ही फिल्म 220 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर चुकी है, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जो कलेक्शन है वो 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। वही बात की जाए भूल भुलैया 3 की तो यहाँ पे हमें कार्तिक आर्यन के साथ तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित देखने को मिली और साथ ही साथ इस फिल्म में हमें हॉरर के साथ जबरदस्त कॉमेडी का डोज देखने को मिला था। फिल्म के कलेक्शंस की बात की जाए तो फिल्म ने अपने 4 दिनों में 128 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन हासिल किया, जबकि फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा वो 152 करोड़ रुपए, जबकि फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 4 दिनों में कलेक्शन था वो 195 करोड़ रुपए का हो चुका था। फिफ्थ डे की बात की जाए तो फिल्म ने दोस्तों अपने फिफ्थ डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन हासिल किया है लगभग 17 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म अपने 5 दिनों में कलेक्शन हासिल कर चुकी थी 145 करोड़, जबकि आज अपने 6वें दिन भी ये फिल्म होल्ड बना के रखे हुए और आज इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 15 करोड़ रुपए का आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 160 करोड़ रुपए का हो चुका है, जबकि फिल्म का जो इंडिया क्रॉस कलेक्शन है वो हो चुका है 195 करोड़ रुपए। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपने 6वें दिन 240 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। बस दोस्तों फिल्म भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके इसको बताएं। साथ ही इस तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।